हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैं अब्दुल्ला पठान जी का दवा खा रहा था तो मेरे को खाते हुए 120 दिन कंप्लीट हो चुका, जो कि 4 महीने कंप्लीट हो चुका भाई मेरे को, और जो कि मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है। और जैसे कि मेरे को नाइट फॉल की प्रॉब्लम था, चिपचिपा पानी का प्रॉब्लम था और फ्रेश होने जाता था, तब इसमें क्या है कि एक दो बूंद निकलता था वाइट वाइट, ये प्रॉब्लम था। और देखा जाए तो टाइमिंग ख़राब भी था, क्योंकि नाइट फॉल बहुत ज़्यादा हुआ ना, तो टाइमिंग वैसे भी ख़राब था भाई, ये चीज़ है। और मैं 5वें मंथ का दवा के लिए जा रहा हूँ भाई, 5 तारीख को, और जो कि मेरे को क्या है कि ना, दवा को बहुत अच्छा फ़ायदा किया भाई, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को अच्छा फ़ायदा कर रहा। लेकिन उसके अलावा भी मैं कुछ चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, खेत के चीज़ें, जैसे कुछ भी है, जैसे मेरे को खेत में जो चीज़ें यूज के लिए हो जाता है, जो इस चीज़ के लिए फ़ायदा होता है, ठंडा करता है सर, उसको तो मैं यूज करता हूँ भाई। और ये देखिए, मेरा ये सब चीज़ ख़त्म हो गया भाई। कलौंजी भी कम यूज किया, उसको नहीं खाया था, बहुत कम खाया था। और ये देखिए, ये वाला ख़त्म है बिल्कुल, जो कि ये मेरा 4थे मंथ का ये दवा था, ख़त्म है। ये देखिए, ये भी ख़त्म है, ये पाउडर जो है, पाउडर वाला था ना, वाइट वाला, ये भी ख़त्म है। और ये मेरे को एक्स्ट्रा मिल गया था, इसको यूज नहीं करता मैं, इसको यूज नहीं करता मैं, इसे रखा है, तब से लाया हूँ, जब से रखा हुआ है। और फ़ायदा भाई, जो कि इस 4थ मंथ का मैं जो दवा लाया था, उसका फ़ायदा बता दे रहा हूँ, क्या क्या फ़ायदा हुआ भाई। फ़ायदा तो भाई, मेरे अंदर जो भी है कमजोरियाँ नहीं हैं। जैसे मेरे को इस मंथ में मेरे को नाइट फॉल हुआ है, 2 बार हो चुका भाई, लास्ट में हुआ था। लेकिन क्या है कि ना, मेरे को टोटल दवा खाते हुए तकरीबन 40 दिन हो गए, 4थे मंथ का 40 दिन हो गए, क्योंकि बीच में होली था ना, तो इस वजह से काफ़ी डिले हो चुका था। हाँ, तो इस वजह से काफ़ी, मतलब कि मेरे को 8-10 दिन तो आराम से मेरा एक्स्ट्रा चला है। तो नाइट फॉल देखा जाए तो मेरा ये नाइट फॉल तो देखा जाए ना, तो 1 मंथ में 1 ही बार हुआ है, ये तो देखा जाए तो ये अगले मंथ में चला गया है, ये चीज़ है। 10 दिन जो है एक्स्ट्रा खाया हूँ, तो उसमें समझ लो अगले दिन में देखा जाए तो ये नाइट फॉल का हो गया है, नहीं तो मेरे को 1 मंथ में समझ लो 1 ही बार हुआ है, ठीक ना। 40 दिन हो गए हैं, अगर 30 दिन का देखा जाए तो मेरा 1 बार नाइट फॉल हुआ भाई, ये चीज़ बताना चाहता हूँ। और जो भी है, नाइट फॉल अगर 1 या 2 या 3 बार हुआ, ये इतना भाई नॉर्मल है, और जितना कम से कम हो सके, हाँ कम से कम जितना हो सके, मतलब महीने में 1 बार, हाँ हो सके तो बहुत अच्छा है। और ये तो मैं यही चाहता हूँ यार, खाली महीने मेरा खाली 1 बार हो, और फिलहाल किसी किसी मंथ में ज़्यादा हो जाता है, जैसे 3रे मंथ में मेरा 3 बार हो गया है, तो 2 या 3 बार नॉर्मल है, लेकिन मैं 1 ही बार चाहता हूँ हो, तो 1 बार हो बस, अगर हो तो तब, नहीं तो इससे ज़्यादा नहीं चाहता भाई, 1 बार हो बहुत हिता नाइट फॉल। और ये सब दवा बिल्कुल खाली हो गए हैं भाई खा के, और फ़ायदा किया है, बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। जैसे मैं वीडियो देखता हूँ तो मेरा इरेक्शन भी सही रहता है भाई, और जो चिपचिपा पानी पूछते हैं कि निकलता है कि नहीं निकलता भाई, वो निकलता है, लेकिन काफ़ी देर देखने पर मेरा क्या है कि एक या दो बूंद, ठीक है ना, वो भी गाढ़ा गाढ़ा निकलता है काफ़ी देर में। जैसे फीलिंग जितनी जल्दी फीलिंग आ जाएगा भाई, जितनी जल्दी, मैं अपनी हाल बता रहा हूँ, क्योंकि कमजोरियाँ 1% नहीं है, इतने नाइट फॉल हुआ है, कुछ भी नहीं होता है, अंडे भी खाता हूँ, चिकन भी खाता हूँ, कुछ नहीं होता भाई, ये सब चीज़ मैं यूज करता हूँ, मछली भी खाता हूँ, ये सब चीज़ यूज करता हूँ, तब भी कोई नाइट फॉल नहीं होता। जैसे खा लो तो नहीं, या दूध पी लो तब हो जाता है नाइट फॉल, बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम मेरे साथ था, मेरे को पहले क्या बोला जाता था कि रात में सोते समय दूध का इस्तेमाल नहीं करने के लिए बोला गया था, मतलब काफ़ी जगह इलाज कराया था तो ठीक नहीं हुआ था, जो कि मैं अब्दुल्ला पठान के पास गया था तो उनके उनके से ये क्या हुआ कि फ़ायदा बहुत हुआ है भाई, नाइट फॉल तो कवर है,
और जो मेरा चिपचिपा पानी काफी देर तक जैसे फीलिंग आता है, तो एक या दो बूंद, वो भी गड्ढा गड्ढा, ज्यादा नहीं निकलेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 बूंद मान लो, ठीक ना, वो भी बिल्कुल गाढ़ा भाई, मतलब कि लार से भी बहुत मोटा, जो चिपचिपा पानी बोलते हैं ना वो चीज, लार से भी बहुत गाढ़ा, जो तो लार वैसे हो जाता है। ये क्या है कि अगर ऐसे उंगली में ले लो ना, उंगली में अगर ले लो जैसे, तो वो आराम से आ जाएगा, और इसके मल दोगे ना तो वाइट वाइट हो जाएगा वो, ऐसा है, जो कि बहुत लोगों को नहीं होता है। अगर जिनको फीलिंग होगा भाई, फीलिंग आएगा ना तो 100% ये सबको होगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे शादीशुदा हो चाहे कोई भी हो, ये फीलिंग आएगा तो ये होना ही होना है भाई, जो चिपचिपा पानी बोलते हैं ना। हाँ, काफ़ी देर में, ये नहीं कि तुरंत पानी जैसे आ जाए, वो गलत भाई, वो उसके लिए इलाज की ज़रूरत है। थोड़ा से भी कुछ भी हो जा रहा है कि फ़ोन पर बात कर ले रहे हैं तब निकल रहा है, हाँ, और वीडियो देखने पर तुरंत हो जा रहा, देखने से पहले घबराहट, ये सब चीज़, और वीडियो मतलब कि खुली जो फोटो है, फोटो देखने पर, मान लो हम सर्च किए हैं और खाली स्क्रॉल करते करते हम खाली फोटो ही देख रहे हैं, तब हो रहा है, तब भी गड़बड़ है। ये सब अपने पर मैं देख चुका हूँ, कर चुका हूँ भाई, तब बता रहा हूँ। ये अगर जिनको हो रहा है, मान लो फोटो स्क्रॉल करते नहीं, वीडियो चलाने के लिए हम सर्च करते हैं तो आ जाता है, तो खाली वीडियो वीडियो स्क्रॉल करते नीचे ऊपर देखते ना, खाली चलाने पर नहीं, ऐसे ही देख रहा हूँ तो तब भी हो रहा है, अगर चैट पे भी हो रहा है, अगर फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, अगर ये सब कंडीशन है तो भाई इलाज की ज़रूरत है, ना तो मेरे को कॉल पर बात करूँ तो नहीं हो रहा भाई, आएगा ही नहीं। अगर फीलिंग बहुत फीलिंग वाला है तो आएगा। और वीडियो देखने पर बहुत देर पर, अगर सर्च कर रहा हूँ वीडियो और ऐसे ही स्क्रॉल करते सब फोटो देखूंगा ना, काफ़ी देर तक देखूंगा, तो कुछ नहीं होने वाला मेरे को, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, पहले हो जाता था बहुत, 7-8 साल पहले हो जाता था भाई, ये चीज़ है, 5-6-7 साल ऐसे थी, प्रॉब्लम था, थोड़ी एक झलक देख लूँ फोटो को ना, तो एक झलक देख लूँ तो ये प्रॉब्लम आ जाता था, ये चीज़ है। और जो फ्रेश होने जाता था वो भी बंद, जो फ्रेश होने जाता था, चिपचिपा वाइट वाइट निकलता, चिपचिपा वाइट वाइट निकलता, वो भी ख़त्म भाई, वो चीज़ नहीं है, हाँ, ये चीज़ है। और फ़ोन पे चाहे जैसे बात करूँ, चाहे जैसे जितनी गंदी बात करूँगा, कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ नहीं होगा मेरे को, हाँ। और वीडियो जो देखूँगा, काफ़ी देर तक देखूँगा, तो 2 या 3 बूंद निकलेगा, और लार वाले एकदम एकदम, मतलब कि गाढ़ा, मतलब कि हाथ में ऐसे ले लोगों ना तो आराम से हाथ में आ जाएगा, इधर उधर नहीं होगा, एक जगह पर रहेगा पानी, जैसे नहीं ऐसे ले लो तो इधर से, मतलब कि जिधर झुकाव रहेगा उधर बह जाएगा, वैसे इसमें नहीं रहेगा, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। बस यही है कि यार, न तो मेरे को नाइट फॉल में जो हो रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चिपचिपा पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो देखने पर कोई प्रॉब्लम नहीं, बात करने पर, वीडियो कॉल पर बात करूँगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हाँ, ये सब चीज़ प्रॉब्लम नहीं। अगर लड़की के पास जाऊंगा, देखूंगा, देख रहा हूँ ना, अगर देख रहा हूँ लड़की, चाहे जैसे फीलिंग वैसे आएगा, तो कुछ नहीं प्रॉब्लम मेरे को नहीं होने वाला, हाँ। अगर हाँ और ज़्यादा वो कर रहा हो, पास जा रहा हो, कुछ भी करोगे तो होगा भाई, वो तो नॉर्मली है होना, लेकिन दूर से देख रहा हो और कुछ भी वैसे मैं सोच रहा हूँ, हाँ, तो नहीं होता, ऐसे नहीं होता, जैसे कोई है तो देख रहा हूँ उसको, कुछ भी सोच रहा हूँ उसके बारे में, कुछ नहीं होगा मेरे को। अब बहुत लोग को जो ये कंडीशन बताया ना, सब होता है भाई, अगर फोटो देखेंगे तब भी हो जाता है, हाँ, बात करने पर, चैट करने पर, ये मेरे साथ कुछ नहीं प्रॉब्लम भाई, अब नहीं कुछ प्रॉब्लम, और नाइट फॉल होता कोई कमजोरी नहीं, बाल भी ब्लैक शाइनिंग और बाल झड़ रहे वो सही हो गया, और देखा मतलब कि घने बाल ऐसे महसूस होता है भाई, कि घने जो पहले जो पहले जो बाल है ना जैसे उखड़े नहीं गए, तो शायद ऐसा लगता है कि यार कि मतलब कि उग गए हैं, मतलब कि घना लगता है अब पहले से ज़्यादा, ये चीज़ है। और ये पता नहीं कि उगे हैं कि नहीं उगे हैं, मतलब कि पिछले वाले जो चले गए हैं, क्योंकि वो तो हमारे हार्मोन्स पर डिपेंड है यार, कि कौन कैसे कैसा रिएक्शन कर रहा है, मतलब कि दवा का, और दूसरे लोगों में ये चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चीज़ नहीं बता सकता बाल वाला, ये मेरे पर हुआ है, ये चीज़ बता रहा है। जैसे बाल पूछते यार कि डाई कराए हैं क्या, और
और काफी तेजी से बाल में मेरे बढ़ता है भाई, दाढ़ी वाढ़ी जो है ना काफी तेजी से बढ़ता है भाई, बाल भी ये भी बहुत जल्दी मतलब कटाना पड़ता है, ये भी कटाए हैं मतलब कि बहुत जल्दी हो जाता है भाई, जीरो पर कटाते हैं बाल तब भी बहुत जल्दी उग जाता है ये चीज़ है। और यही है कि यार मैं मेरे को जहाँ तक बताया हूँ जितना कंडीशन जो बताया था वो सब चीज़ सही हो चुका है, जो भी है यार जितना कंडीशन जो बताया हूँ ना वो चीज़ अगर किन्हीं लोग को प्रॉब्लम है, कोई भी हो जिनको भी प्रॉब्लम है ना भाई, उनको इलाज की ज़रूरत है भाई, किसी को ये प्रॉब्लम हो रहा है ना इलाज की उनको ज़रूरत है, बस मेरे को जो देखा जाए ना इरेक्शन बस बकायदे 90 डिग्री में जिनका हो रहा है ना भाई वो बेहतर है भाई उनके लिए, और मैं भी यही चाहता हूँ यार कि 90 डिग्री में टिका रहे, ठीक है ना, हो तो जाता है लेकिन टिका रहना चाहिए 90 डिग्री में, यही है यार जो भी है, बस मेरा यही एक अब मकसद यही है कि 90 डिग्री में टिका रहना चाहिए, ये चीज़ मैं चाहता हूँ, हो तो जाता है कोई दिक्कत नहीं है 90 डिग्री में करना, ठीक है ना, और जैसे मैं खाना खा के लेटता हूँ तब भी इरेक्शन तुरंत आता है भाई, तुरंत तुरंत आता है इरेक्शन, चाहे दोपहर के लेट जाऊँ चाहे जितनी समय खाना खाऊँ चाहे ना खाऊँ वैसे लेट जाऊँ तो इरेक्शन आ जाता है भाई, हाथ पहुँच जाने पर वैसे भी इरेक्शन आ जाएगा, कुछ भी होगा इरेक्शन आ जाएगा भाई, प्रॉब्लम ये नहीं पर डे का, ठीक है ना, मॉर्निंग में इरेक्शन रहेगा, अगर दोपहर के लेट गया तब भी इरेक्शन रहेगा, किसी वक्त भी लेट जाऊँ इरेक्शन आ जाएगा भाई, ऐसा पहले ऐसा चीज़ कहा कि इरेक्शन में प्रॉब्लम होता था लेकिन अब नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है बस वही 90 डिग्री में टिका रहना चाहिए, बस इतना और चाहिए मेरे को, जो कि ये 5वें मंथ का लेने जा रहा हूँ, इस बार बोलूँगा जो प्रॉब्लम है बस 90 डिग्री वाला मेरे को बस टिका रहना चाहिए, जैसे नहीं कि काफ़ी देर तक टिका रहना चाहिए लेकिन 90 डिग्री में पहुँच जाने पर तुरंत फिर डाउन हो जाए, ये वाला नहीं चाहिए मेरे को, बिल्कुल जो भी है बेहतर होना चाहता हूँ भाई मैं, और देखा जाए तो 6 मंथ का कोर्स है पूरा, और मिनिमम देखा जाए को तो 3 मंथ का है, जो बहुत जल्दी बेहतर सही हो रहा है तो 3 मंथ का है, नहीं तो मैक्सिमम देखा जाए तो 6 मंथ का कोर्स है भाई, जो नहीं ठीक हो रहा है ना 3 मंथ में तो उनके लिए 6 मंथ का कोर्स है, ये चीज़ है, और जो भी है यार अगर इनको जो भी है जिनको भी कुछ प्रॉब्लम है ना वो जाके ले सकते हैं यार, और किन्हीं लोग को फ़ायदा नहीं कर रहा है तो फ़ायदा नहीं कर रहा यार, उसके बारे में आप लोग को बस यही बोल सकता हूँ यार कि बस अगर फ़ायदा नहीं कर रहा है तो अपने अनुसार कहीं भी अपना इलाज करा सकते हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहीं जाएं या कुछ भी करें मेरे कहने पर, नहीं भाई, उन्हों जो भी जिन्हें जो प्रॉब्लम है जब फ़ायदा नहीं कर रहा ना भाई तो कहीं भी अपने इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सकते हैं, और इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते भाई, अगर इग्नोर करेंगे ना तो खामियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा भाई, बस यही कहना चाहते हैं यार, और जितना अगर प्रॉब्लम है जितना भी किन्हीं लोग का प्रॉब्लम है ना भाई, अगर ये जो कंडीशन बताए हैं अगर वीडियो देखने पर चैट करने पर है ये बहुत मसला मतलब कि गड़बड़ वाला मसला लग रहा है भाई, हाँ और ये सब चीज़ मैं देखता हूँ कुछ नहीं होता भाई, मेरे को कुछ नहीं होता, और आज का यही वीडियो है यार, अगर किन्हीं लोग कोई मतलब कि कुछ बताने में भूल गया होगा तो कमेंट कर देगा उसमें बता दूंगा, फिलहाल तो अपने हिसाब से मैं पूरा बताया हूँ जो मेरे को फ़ायदा किया है कि फ़ायदा नहीं किया वो सब चीज़ बताया हूँ भाई, अगर कोई भी चीज़ अगर भूल गया तो फिलहाल तो सभी चीज़ बताने कोशिश किया हूँ और सब चीज़ बताया हूँ फिलहाल अपनी तरफ से, और चलिए आज का वीडियो यहीं है भाई, यहीं समाप्त करते हैं।